हाँ जी जोर से बोलो। संगम जो कि राम सीता सत्य दूत में आ रहे सकते इसका संगम जो कि राम सीता संगम जो कि राम सीता सत्य दूत को आ नहीं सकते एक मुरल में बाबा ने संगम युगी राम राम सीता संगम युगी राम सीता बीच में आ नहीं सकते एक मुरली में बाबा ने बताया ऐसे संगम युगी राम सतयुग के आदि में आ नहीं सकते संगम युगी राम राम सीता सतयुग में आ नहीं सकते। राधा कृष्ण का जन्म कहाँ से हो सकता है? अगर आ नहीं सकते तो राधा कृष्ण का जन्म कैसे हो सकता? अरे होगा या नहीं होगा कि परमधाम से टपक पड़ेंगे? हैं बोलो हैं संगम युगी राम सीता ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है क्या? है या नहीं है? अगर ऑलराउंड पार्टधारी है तो सतयुग के आदि में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो ये कहां से मुरली निकल पड़ी है? हाँ सतयुग में नहीं आ सकते सतयुग में ठहर नहीं सकते देख नहीं सकते क्या नहीं देख सकते? संगम युग सतयुग को देख नहीं सकते अंधे थे क्या है? मुरली लाओ अगली बार ले आना। अच्छा और हाँ जोर से बोल किसको शूटिंग कहते हैं किसको हिसाब किताब कहते हैं? शूटिंग कहते हैं जैसे फिल्म दिखाई जाती है सिनेमाघर में फिल्म देखते हैं ना तो वो फिल्म पहले बनती है या उसकी शूटिंग पहले होती है? हैं उसकी शूटिंग पहले होती है। ड्रामा दिखाते हैं तो ड्रामा की रिहर्सल पहले होती है बाद में ड्रामा दिखाते हैं? कैसेट बजती है पहले रिकॉर्डिंग होती है कि पहले कैसेट बजती है? पहले रिकॉर्डिंग होती है। तो शूटिंग पहले है और जो शूटिंग होती है उसकी बड़ी फिल्म जो है वो 5000 वर्ष के ड्रामा बनता है। उस ड्रामा में हम 63 जन्म जो पार्ट बजाते हैं उसका हिसाब किताब अगले अगले जन्मों में भोगते रहते हैं। पिछले जन्म में पाप किया तो इसका हिसाब किताब अगले जन्मों में भोगेंगे। तीव्र गति से पाप पुण्य किया है तो उसका रिजल्ट जल्दी आवेगा अगले जन्म में, और पाप या पुण्य धीमी गति से किया है तो उसका रिजल्ट कई जन्मों के बाद आवेगा। तो हिसाब किताब बाद में होता है और पाप पुण्य का खाता पहले बनता है, और जो पाप पुण्य का खाता बनता है उसकी रिहर्सल अभी करते हैं। शूटिंग संगम युग में होती है
चाहे पापात्मा बनने की शूटिंग करें और चाहे पुण्यात्मा बनने की शूटिंग करें। और बाबा कौरव और पांडव संगम युग में है, लेकिन पांडव है संगम युग में, कौरव है कलयुग में है। सही बात है, पांडव पंडा के बच्चे, किसके बच्चे? पंडा के बच्चे। पंडयति, जो रास्ता दिखाता है उसे पंडा कहा जाता है। दुनिया में सबसे सच्चा, सबसे शॉर्टकट, सबसे सहज रास्ता दिखाने वाला कौन है? है कोई मनुष्य है या भगवान है? भगवान ही पंडा है। इसलिए शास्त्रों में पांडु पुत्र दिखाया है पांडवों को। क्या राजा पांडु का पुत्र है पांडव? यहां भी एक मात्रा बढ़ गई। और कुरु पुत्र कौरव, कुरु माने कर्ण, जिसकी बुद्धि में रहता है मैं करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं, अहंकार भरा हुआ है, उनके पुत्रों का नाम क्या पड़ा? कौरव। कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल, कौओं की तरह शोरगुल करने वाले। वो कहते हैं कि हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, हम इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। शिव बाबा तो ब्रह्मा का तन छोड़ के चला गया, उसका काम था ज्ञान सुनाना, वो तो ज्ञान सुना के चला गया। हमको अब स्वर्ग कौन बनाएगा? हम ब्राह्मण स्वर्ग बनाएंगे। तो शिव बाबा का चित्र लगाते हैं, पोस्टर बड़े बड़े छपाते हैं, और शिव के चित्र के नीचे अपने अपने फोटो लगा देते हैं। वो दीदी दादी दादाएं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो पोस्टर कभी देखे हैं? देखे, संभाल के रख लेना, कोर्ट में काम आवेंगे ये साबित करने के लिए कि वो कुरु की औलाद कौरव कौन है, जो कहते हैं हम करते हैं, हम बनाते हैं स्वर्ग, हम बनाते हैं इस दुनिया को, स्वर्ग करने वाले हम हैं, और बाकी सारी दुनिया है नरक बनाने वाली, नर हम स्वर्ग बनाने वाले हैं। सब कुछ करता धरता हम हैं, हम ही करने वाले हैं, करने वाले भी हम हैं, करावनहार भी हम हैं, करण करावनहार भगवान हम हैं। तो उनको कहा जाता है कौरव, फालतू का, कौओं की तरह काव 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 शोरगुल करती रहती है, बजाय स्वर्ग बनाने के और ही क्या बनता जाता है, और ही नरक बनता जाता है। तो जो नरक बनाने वाले हैं ऐसे कांग्रेसी कौरव कहे जाते हैं, उनका नाम है कांग्रेस। रेस तो करते हैं लेकिन काय की रेस, कांग 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 रेस कांग रेस
कांव कांव की रेस में लगे हुए हैं। जब कोई नई गवर्नमेंट बनती है ना, तो वोट लेने के लिए कांव कांव करते देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते हैं, कितनी कांव कांव का शोरगुल करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी करते हैं, कितनी कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितनी कांव कांव करते हैं। कितनी प्रदर्शनियां लगाते हैं, कितने मेले मला खड़े करते हैं, बहुत भाषणबाजी। और पांडु के पुत्र पांडव, पंडा के पुत्र, जो पंडा असली रास्ता दिखाने वाला है भगवान, उस पंडा के पुत्र पांडव भाषणबाजी करते देखे गए है? मजमा लगा के भाषणबाजी करते हैं नहीं करते, एक एक को बैठ करके समझाते हैं। क्या ज्ञान? एक बैठ करके एक को समझाएगा उसे ज्ञान कहा जाता है असली। अब विचारी ज्ञान कि अनेकों को बैठकर समझाया जाए तो वो ज्ञान है, एक एक को बैठकर के समझाए, एक बैठे एक को ज्ञान का बीज डाले। मुरली में बोला है अगर अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। विविचारी ज्ञान माने कैसी दुनिया बनाने वाला ज्ञान? विविचारी दुनिया बनाने वाला ज्ञान। तो तुम बच्चे हो असली पंडा के पुत्र पांडव, और वो है पौरव, और एक ही टाइम पर हैं दोनों। क्या तुम यहां हो और वो कौरव वहां? पांडव अलग और कौरव अलग, दोनों ही भारतवासी थे। ये कथा कहाँ की है? भारत की ही कथा है। भारत में ही कौरव होते हैं, भारत में ही पांडव होते हैं। और कंचन का शरीर कैसे बनेगा? कंचन काया कैसे बनेगा? आत्मा कंचन बनती है तो उसको पांच तत्वों का चोला भी कैसा मिलेगा है? कंचन मिलेगा। अभी आत्मा कैसी है? कंचन है, ये लोहा पत्थर है, लोहा पत्थर है। तो चोला सड़ा हुआ है, दसों इंद्रियों से गंध निकालने वाला है या सुगंध निकालने वाला है? गंध निकल रही है, सड़ा हुआ चोला है, क्योंकि आत्मा भी तामसी बन गई है। अब आत्मा सात्विक कब बनेगी है? हाँ, बाप की याद, वो तरीका हुआ, लेकिन कब? सन 36 में कि 76 में कब सात्विक बनेगी कि 2037 में कब बनेगी है? 76 में बन गई सात है, 36 में बनेगी। हाँ, वो स्वर्णिम संगम कब कहें?
2018 के आसपास से लेकर 36-37 के आसपास है ना, उसमें भी नंबर वार होंगे या सब एक जैसे होंगे? कोई पहले बनेंगे, कोई बाद में बनेंगे। तो जो पहले बनेंगे वो आत्माएं पहले परमधाम जावेंगी या बाद में परमधाम जावेंगी? पहले परमधाम जावेंगी। परमधाम आत्मा मन बुद्धि से जाती है कि शरीर के साथ जाती है? और मन बुद्धि से अभी हम परमधाम जाते आते हैं या नहीं आते जाते हैं? हैं? अभी भी जाते आते हैं, लेकिन अंतर क्या होगा? तब में और अब में क्या अंतर होगा? हाँ, उस समय हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा सदैव कहाँ लटकी रहेगी? परम धाम में रहेगी। और परम धाम से जब इस सृष्टि पर आना होता है तो आत्मा सात्विक स्टेज में आएगी या तामसी स्टेज में आएगी? सात्विक स्टेज में आएगी। जब सात्विक स्टेज में आएगी तो आत्मा जाम होकर के रहेगी संकल्पों में, शुरू शुरुआत में, या बर्फ जैसे पिघल के बह जाती है ऐसे रहेगी। संकल्प जाम हो जाएंगे, जैसे सतयुग में देवात्माओं के संकल्प जाम हो जाते हैं, ये संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, जाम हो जाते हैं। तो जिनके संकल्प विकल्प जाम हो गए, वो जैसे बर्फ में दब गई, और बर्फ से जब बाहर आएंगी तो नई दुनिया में आएंगी या पुरानी दुनिया में? नई दुनिया में आवेंगी। हाँ, कुछ आत्माएं होंगी तो राजयोग सीखने वाले राजा बच्चे होंगे, भगवान राजयोग सिखाने आता है या प्रजा योग सिखाने आता है? राजयोग सिखाने आता है। तो राजा बनने वाले जो राजयोगी बच्चे होंगे वो पहले अपनी आत्मा मन बुद्धि को जाम करेंगे संकल्पों में या बाद में जाम करेंगे? पहले सूक्ष्म में जाम करेंगे या स्थूल में उनकी आत्मा बर्फ में दबेगी? सूक्ष्म में दबेगी। और प्रजावर्ग बाद में स्थूल बर्फ में भी उनको दबना पड़ेगा। क्या शरीर तो होगा तामसी, उस शरीर को छोड़कर के उनकी आत्मा परमधाम जावेगी, लेकिन कुछ समय परमधाम में ठहरेगी या तुरंत वापस आवेगी? ठहरेगी। बाद में जब वापस आएंगे उस समय तक उनके शरीर बर्फ में दबे हुए होंगे। है तब नहीं होगा विनाश। विनाश पहले होता है। क्या पहले एटम बम फटते हैं? एटम बमों के फटने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बर्फ है मीलों ऊंची, वो बर्फ फट पड़ती है, और बर्फ फट करके समंदर में आ जाती है। तो समंदर का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? और एटम बमों की गर्मी से पृथ्वी का
जो बैलेंस है वो हिल जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने से पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। क्या बड़े बड़े भूकंप आवेंगे? तो पृथ्वी के अंदर जो लावा है, आग जल रही है, किसमें है? किसमें आग जल रही है? पृथ्वी के भूगर्भ में। वो भूगर्भ है धरणी के गर्भ में जो आग जल रही है, वो आग स्थूल है या सूक्ष्म है? है स्थूल आग है। और जो चैतन्य धरणी है उनके अंदर आग जल रही है या नहीं जल रही है? है। जो बहुत दुखी होता है ना, बाहर से कुछ कर नहीं सकता, तो उसकी आत्मा अंदर से व्यथित होती है या नहीं होती है? तो भयंकर आग जल रही है। जब एटम बम फटेंगे, चाहे वो ज्ञान के एटम बम हो और चाहे वो स्थूल हो, पहले सूक्ष्म में बाद में स्थूल में, कभी विश्व महाराज विश्व महाराज निकाल जाएगा। तो जब बॉम्ब फटते हैं तो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं धरणी में, सूर्य का ओजोन फटता है, और जब ओजोन फटता है तो गर्मी बढ़ेगी कि घटेगी? एक तो वो गर्मी बढ़ती है, दूसरे एटम बमों की गर्मी बढ़ती है, तीसरे भूकंपों की गर्मी बढ़ती है। तो सागर का जल खौल उठेगा, बॉइल्ड वाटर हो जाएगा या शांत रहेगा? बॉइल्ड वाटर हो जाता है, जोर से उबलता है। तो सारी दुनिया में भाप ही भाप बादल बनकर उड़ती है, और कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होती रहेगी। एक तरफ मूसलाधार बरसात पृथ्वी के ऊपर, और दूसरी तरफ समंदर का स्तर ऊंचा उठता है। जैसे बोला है बंबई डूब जावेगी, तो माया की नगरी अकेली बंबई डूब जावेगी या मायावी जो भी धर्म खंड है वो सब डूब जावेंगे? सब डूब जावेंगे। सारी दुनिया में जलमयी जलमयी जलमयी, और उस जलमयी में जो जल होगा वो गंदला होगा या स्वच्छ जल होगा? ज्ञान जल भी कैसा है? गंदला। गंदला ज्ञान जल बहता है तो आंखें अंधी होती है कि सोजरी बनी रहती है? अंधी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो आत्माएं हैं वो सब कहाँ चली जाएंगी? शरीर छोड़कर है सब परमधाम चली जाएंगी। कोई याद की स्टेज में पहले ही चली जाएंगी स्वेच्छा के पुरुषार्थ से, और कोई पुरुषार्थ ही नहीं, राजयोग सीखा ही नहीं है, भगवान आता है इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, या ध्यान दिया भी है
ज्ञान थोड़ा बहुत सुना भी है, संदेश लिया भी है, तो संदेश लेने के बाद फिर अपने धंधे धोरी में लग गए। ज्ञान को और ज्ञान सागर को महत्व ही नहीं दिया, तो ऐसी आत्माओं का क्या हाल होगा? दुख के वाइब्रेशन में मरेंगी या सुख के वाइब्रेशन में मरेंगी? दुख के वाइब्रेशन में मरेंगी। और जो जितने दुखी वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे वो उतने ही लंबे समय तक परमधाम में पड़े रहेंगे। बाद में जब वो आत्माएं आती हैं तो सारी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ, उस बर्फ के अंदर उनके शरीर दबे हुए होते हैं, वो भी सूर्यवंशी बच्चों के, चाहे सूर्यवंशी प्रजा ही क्यों न हो। जब आत्मा प्रवेश करती है तो ऑटोमेटिक वहां से बर्फ हटती है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान आई तो माहौल भी कैसा चाहिए? पांच तत्वों का माहौल भी उसको सात्विक चाहिए, तो ऑटोमेटिक बर्फ हटती है और वो आत्माएं अपने स्वर्णिम संगठन तक पहुंचती हैं। वो संगठन मजबूत होता जाता है, फिर नई दुनिया की पैदाइश होती है। उससे पहले क्या विनाश होने से पहले सारी दुनिया 500-700 करोड़ भी किसको मानेंगे? है एक विश्व पिता को मानेंगे, वो ही विश्व की बात चाहिए। तो सारा सृष्टि में सब 600 करोड़ आत्माएं सारा विश्व में ही होंगे बिना कुछ? 10% क्यों कहेंगे? 500 करोड़ के 500 करोड़ में से 4.5 लाख 10% हुए हैं, वो तो बहुत थोड़ी आत्माएं हैं। और हाँ, मुरली में आया, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ और ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। फिर भी और एक मुरली में आया, मैं ब्रह्मा को सुनाता हूँ क्योंकि ब्रह्मा बच्चा बुद्धि वाला है। हाँ मैं ब्रह्मा को सुनाता हूँ, वो बच्चा बुद्धि वाला है। हाँ तो बच्चा बुद्धि से जो सुनेगा वो समझेगा है? समझा ना समझा बराबर हो गया कि कुछ फायदा हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ जो पहले फेल होना अच्छा कि जो बाद में फेल होना अच्छा? जो पहले फेल हो जाएगा वो पहले अनुभवी बनेगा कि बाद में अनुभवी बनेगा? है पहले अनुभवी बनेगा, पहले ठोकर खाएगा तो पहले ठाकुर बन जाएगा और बाद में ठोकर खाएगा तो बाद में अनुभवी बनेगा, बाद में ठाकुर बन जाएगा। तो पहले नंबर का ठाकुर बनना अच्छा या बाद के नंबर का ठाकुर बनना अच्छा? ठाकुर जी महाराज की पूजा करो है? कौन सा ठाकुर अच्छा लगता है आपको? है पहले नंबर का अच्छा। और बाबा ने अपना सिर माथे पर ब्रह्मा बच्चा को पकड़े हुए थे, प्यारी बच्चा इसलिए तो पकड़े हुए तुम क्या सीर माथे पर? तो कहते हैं ये सारी पढ़ाई उनके लिए है कि आज के उम्र में और बहुत सारे होते थे कि मैं तो पढ़ाता हूँ ये भी सुन लेता है, ऐसे कहा
बाबा इनमें कहने का मतलब है कि मैं बाबा बोलते हैं कि मैं बच्चे तुमको पढ़ाता हूँ मगर बीच में लेता हूँ क्यों? हाँ हाँ, ये कृष्ण वाली आत्मा सुन लेती है, समझाता सुनाता मैं तुमको। मेरे कहने का मतलब ये है कि और ब्रह्मा बच्चा तो वो सिर मत पर रखे थे, उसने वो प्यारे बच्चा है कहते हैं, वो सारी पढ़ाई उनके लिए है, ये बोलते हैं कि कैसे खाए बच्चे बस चंद्रमा को माथे पर रखा ना शंकर ने, इसलिए रखा माथे पर कि माथे पर रखने वाला तो जानता है कि जो प्यारा बच्चा होता है उसको कहाँ रखा जाता है, सर पे उठा लेते हैं ना। और वो ये भी जानता है कि रामायण में राम का सबसे बड़ा भक्त कौन दिखाया जाता है, हनुमान, और सारा काम कौन करता है, तो जो काम करता है उसका चाम प्यारा लगेगा या काम प्यारा लगेगा, तो उसको सर पर उठा के नहीं रखना चाहिए। हाँ, लेकिन रखता कौन है? और रुक रुक रुक, रखता कौन है? वो रखता है जो परमधाम वासी है, या वो रखता है जो त्रिलोकीनाथ है? सर पे कौन रखता है? हाँ, वो रखता है। वो तो कहता है मैं तुमको सुनाता हूँ, मैं तुमको महत्व देता हूँ, इसको महत्व नहीं दे। क्यों? किसको सुनाया जाता है? अरे जो काम करके दिखाएगा उसी को सुनाया जाएगा ना। तो पहला पहला काम तुम करके दिखाते हो, जो पहला पहला काम शिव का है सुन करके समझना और समझ करके दूसरों को समझाना, ये पहला पहला काम है और सबसे बड़ा काम है। फिर बाद का काम है कृष्ण वाली आत्मा का, वो समझे किसके द्वारा, किसके द्वारा समझे, कौन से बाप के द्वारा? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके द्वारा समझे, और समझ करके फिर दूसरों को समझने के लिए फोर्स करे। और सुदर्शन चक्र को याद करो तो पाप भी काटा जाता है, ठीक है? इन दोनों का क्या स्वा माने, क्या दर्शन माने, क्या किसको देखते रहो, आत्म की स्थिति को देखते रहो। आत्मा को देखेंगे लगातार तो बीज को देखेंगे ना। 84 के चक्र में जो भी जन्म मिलते हैं उस पार्ट का बीज कहाँ भरा हुआ है? आत्मा में। तो क्या अलग बात हो गई है? एक ही बात तो हुई। और रुको, हाँ जी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, इन्होंने सुना ही नहीं कुछ भी, हमारी तो बात छोड़ दो। ड्रामा बना बनाया है, आई की जरूरत, शूटिंग की क्या जरूरत? बना बनाया ड्रामा है और शूटिंग करने वाले की शूटिंग भी बनी बनाई है। क्या शूटिंग करने वाला जो डायरेक्टर है उस डायरेक्टर के अंदर शूटिंग करने का पार्ट भी बना बनाया है? तो आपका पार्ट भी बना बनाया है और शूटिंग करने वाले का पार्ट भी बना बनाया है, इसमें तो क्यों क्या आप कैसे का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ।
सप्तम नहीं है स्कूल है, सप्तम नहीं है स्कूल है। कोई नहीं समझे जिनके बड़े बड़े कान है। माना वो जो भक्ति मार्ग में सत्संग होते हैं वहाँ सत्य होता है, वो तो झूठा बोलते हैं सत्संग है। एक तो वो सत्य का संग होता ही नहीं, वहाँ झूठों का ही सारा संग है। गुरुजी सबसे बड़े झूठे बैठे हुए हैं। तो वास्तव में झूठ खंड है या सच खंड, सत्य खंड, सच्चे का संग है या झूठ का संग है? वो तो झूठ का संग है, लेकिन यहाँ तो सत्य संग की बात नहीं है भक्ति मार्ग वाला। यहाँ तो स्कूल है, स्कूल में तो पढ़ाई होती है, पढ़ाने वाला यहाँ टीचर है और सुप्रीम टीचर है। सत्संग की बात नहीं है कि हुजूम के हुजूम इकट्ठे हो जाएं और बैठ करके सत्संग करें भक्ति मार्ग वाला, सत्य का पता ही नहीं है। यहाँ तो स्कूल है, पढ़ाया जाता है कि सत्य क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, सत्य की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वहाँ वहाँ नहीं पढ़ाई जाती। और ये जो साइकिल लेने अभी आया है, साइकिल लेने हद में क्या होगा? हद में क्या होगा? अरे माया के साइक्लोन आते हैं कि नहीं? माया की आंधी आती है या नहीं आती है? और भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बीच में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सबसे जास्ती माया के तूफान आते हैं या स्थूल तूफान भी आते हैं? आंध्रा और उड़ीसा बहुत तूफान आते हैं। ये माया के तूफान भी हैं और स्थूल तूफान भी हैं। और वो तूफान, माया के तूफान लाने वाली तो माया है, लेकिन उसको भेजने वाला कौन है? सागर। सागर से तूफान आते हैं, वो ज्ञान सागर है जिसने अपनी बेटी माया को ऑर्डर दिया हुआ है। क्या ऑर्डर दिया हुआ है? हैं? हे माया बेटी, तुम उन बच्चों को खूब फटकाओ जो मेरी बात सुनते ही नहीं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण बच्चे हैं, एक सुनते भी हैं और सुन करके समझते भी हैं कि दूसरे कान से निकाल देते हैं, है? सुनते हैं, सुन करके समझते हैं, निकाल नहीं देते। और एक बेसिक वाले हैं, वो ही ज्ञान के पॉइंट, वो ही ज्ञान की बातें सुनते तो हैं, सुनी तो बहुत हैं मुरलियां, लेकिन एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। तो ऐसे बच्चों को जो श्रीमत के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, क्या जब ध्यान ही नहीं देंगे तो श्रीमत की लीका को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? वो सीताएं हैं जो श्रीमत की लीका को तोड़ती है, श्रीमत का उन्हें पता ही नहीं है। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, मत माने ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। जिनके अंदर वो ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानी है या ज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी माने अंदर
अंदर माने आंध्र प्रदेश की है। बाबा एक कहानी भी सुनाते हैं, कौन सी नहीं याद आया, अंधे और लंगड़े की कहानी। एक अंधा था एक लंगड़ा था। अंधा किस बात का? अज्ञान का अंधा। तो बेसिक वाले जितने भी हैं कैसे अज्ञान के अंधे हैं। ब्रह्मा द्वारा सारा ज्ञान सुना तो है, बुद्धि में ज्ञान कुछ भी बैठा ही नहीं। जो ज्ञान सुनाया है ब्रह्मा द्वारा उसमें बाप की सारी पहचान दी हुई है, नाम रूप धाम कर्तव्य एड्रेस वगैरह सब कुछ है। क्या बाप का एड्रेस है कि नहीं मुरलियों में है? कहाँ का वासी है? फरक्काबाद वासी है। आया कि नहीं आया? घर का मालिक कौन होता है? बाप ही होता है। तो फरक्काबाद वाले मालिक को बहुत मानते हैं। जिस मालिक को मानते हैं उनसे पूछो वो मालिक कौन है? है मालिक तो जरूर विश्व का मालिक ही सबसे बड़ा मालिक होता है ना। तो वो बेचारे जानते ही नहीं। जब बाप को ही नहीं जानते, जो बाप इस संसार में आया हुआ है उसको ही नहीं जानते। जिस बाप ने यज्ञ के आदि में बेसिक वालों को भी जन्म दिया, ज्ञान का बीज डाला था अम्मा में, और एडवांस वालों को भी जन्म दिया था। दिया था कि नहीं? जन्म तो दिया था, लेकिन वो अंधे हैं, अज्ञान के अंधे हैं। और दूसरे लंगड़े हैं। क्या वो बेचारे देख नहीं सकते? देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं कि नहीं? दौड़ सकते हैं। पुरुषार्थ में तीखी दौड़ है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है, इसलिए पुरुषार्थ में तो तीखे दौड़ सकते हैं, लेकिन बेचारे आंखों से देख नहीं सकते। और ये रुद्रमाला के मण के है, देख तो बहुत अच्छा सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के लंगड़े हैं। प्रवृत्ति मार्ग देव आत्माओं का प्रवृत्ति मार्ग व्यभिचारी था या अव्यभिचारी था? है अव्यभिचारी था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को बेचारे भूल गए हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों की दो टांगे होती है कि एक टांग होगी? दो टांगे, लेफ्ट और राइट। पुरुष संपूर्ण तब होता है जब कहते हैं उसकी शादी हो जाती है, वामांगी हो साथ में, तब संपूर्ण है, नहीं तो अपूर्ण है। लेकिन जो वामांगी है अगर वो समान पुरुषार्थी नहीं है तो नुकसान होगा या फायदा होगा? है नुकसान होगा। एक बहुत मोटा हो और एक बहुत पतली छोटी सी हो और दोनों की शादी हो जाए तो जिंदगी में शांति होगी कि अशांति होगी? अशांति हो जाएगी। तो अभी बाप आया है उस बैलेंस को बनाने के लिए। जो समान पुरुषार्थी आत्माएं हैं उनके जोड़े तैयार करेगा।
और ऐसे प्रवृत्ति मार्ग के जोड़े तैयार होंगे कि आज की दुनिया वालों की तरह घड़ी घड़ी डाइवोर्स देने की बात नहीं आएगी। कितने जन्म के लिए प्रवृत्ति मार्ग पक्का हो जाएगा? 21 जन्म तक स्थायी रहेगा। 21 ऐसी प्रवृत्ति पक्की बनाने के लिए आया हुआ है। तो देखो, लंगड़ा बेचारा दौड़ नहीं सकता है पुरुषार्थ में। क्यों नहीं दौड़ सकते? क्योंकि विविचारी है कि अब विविचारी है? क्यों? क्यों विविचारी है? हाँ, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के भारत के राजाएं हैं, जिन्होंने ढेर की ढेर रानियां रखी हैं, बहुत अपवित्र बने हैं, और वो भारत की रानियां हैं जो जन्म जन्मांतर पवित्र रही हैं। अपवित्रता की बात, ऐसा वातावरण अगर कहीं पैदा हुआ, मुसलमानों के आक्रमण हुए और ऐसा वातावरण बन गया कि उनको उन मुसलमानों के अधीन होना पड़ेगा, तो क्या कर लिया है? हैं, अग्नि में कूद पड़ी। कौन सी अग्नि? वो तो स्थूल अग्नि भक्ति मार्ग में, और यहां यहां योग अग्नि है। बाबा की अब भी विचारी याद में रहती है संगठित रूप से, तो उनकी पवित्रता पर आंच नहीं आती है, इसलिए वो लंगड़े नहीं है। क्या पुरुषार्थ में ठीक है, दौड़ सकते हैं। तो क्या किया जाए? है लंगड़े और अंधे का मेल कराए देता है कौन? शिव बाबा। तो गाड़ी के दोनों पहिए एक जैसे होंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे, तो गाड़ी तेज दौड़ेगी, या दोनों पहिए प्रवृत्ति मार्ग के एक छोटा एक बड़ा, तो गाड़ी वहीं की वहीं घूमेगी या दौड़ के आगे जाएगी? हैं, वहीं की वहीं घूमती रहेगी। तो अभी गाड़ी जहां की तहां घूम रही है, इसकी है अंधरों की भी और लंगड़ों की भी। शास्त्र जो पढ़ते हैं वो भगवान को नहीं जानते? नहीं, जो शास्त्र पढ़ते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान बोलते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं मैं उनको नहीं मिलता हूँ। हाँ हाँ, क्यों शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? जो शास्त्र पढ़ते हैं वो शास्त्र बनाए हुए किसके हैं? मनुष्यों की रचना है। तो मनुष्यों के बनाए हुए जो शासन विधान हैं, जिनको शास्त्र कहा जाता है, वो मनुष्यों के बनाए हुए विधान होने के कारण उनसे कुछ प्राप्ति नहीं होती। और यहाँ शासन करने का विधान जिसे श्रीमत कहा जाता है, कौन बनाता है? हैं, यहाँ तो साक्षात भगवान बनाता है, इसलिए फायदा होता है। तो वो पढ़ते हैं, उनको फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता जाता। और हम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, भगवान की श्रीमत का अध्ययन करते हैं, तो हमको फायदा हो सकता है। और नहीं करेंगे, इतने सबसे करना होगा, सब करके प्रजा नहीं करेंगे, माने क्या है? सुखा मतलब
सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में प्रजा ही नहीं होती है। हाँ, और शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता है, तीन देवताएं फरिश्ता है, या फर्श वालों से उनका रिश्ता है? हैं? वो तो फरिश्ता है, और फरिश्ताएं पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? पवित्र होते हैं। क्यों पवित्र होते हैं? फरिश्ताएं इसलिए पवित्र होते हैं कि वो ऊंची स्टेज में उड़ते रहते हैं। क्या? धरणी पर नीचे उनके पांव पड़ते ही नहीं। ऊंची स्टेज में उड़ने के कारण वो पवित्र रहते हैं। और मनुष्य धरणी में बुद्धि दौड़ती रहती है, इसलिए अपवित्र बनते हैं। जैसे गीता में कहा, संगात संजायते कामा, जिसका संग करेंगे उसका संग करने से कामना उत्पन्न होंगी। होती है कि नहीं? कामनाएं उत्पन्न होती है, फिर कामना की पूर्ति तो सबकी होती नहीं है। मान लो काम विकार ही कामना है और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्या होता है? फिर कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं। तो वो सूक्ष्म वतनवासी, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे ऊंची स्टेज में चले गए, और शंकर वो उन सब का हेड है या नीचे की पुरी में है? वो तो सबसे ऊंची स्टेज में है। तो शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, जहां प्रजा वहां उसका पिता। और प्रजा दुनिया में कितनी है? 500 करोड़। तो प्रजा तो सब धरणीवासी है, तो उसका बाप भी प्रजापिता। प्रजापिता विकारी है या निर्विकारी? प्रजापिता पतित है या पावन? पतित है। बुद्धि पतित है माने गड्ढे में गिरी हुई है, गड्ढे को याद करता रहता है, बोलते भी भक्ति मार्ग में गड्ढे वाले की जय बोलते हैं कि नहीं? जितने भी गड्ढे वालों गड्ढे में जिनकी जिनकी बुद्धि रहती है, उनमें उनका सरताज है एक, उसका नाम रख दिया है गड्ढा वाला, उसकी कहते हैं जय। तो प्रजापिता तो है पतित, पतितों का सरताज है ना। जैसे बाबा ने बोला, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है, तो रामायण में किसने लिखा है? राम ने लिखा। राम वाली आत्मा बाली वाल्मीक या राम तुलसीदास बन करके जन्म लेती है और अपनी महिमा लिखती है ना। तो वो क्या लिखती है महिमा? मैं पतितन को राजा। क्या लिखता है शास्त्रों में? मैं जितने भी दुनिया में पतित मनुष्य हैं 500 करोड़, मैं सबका राजा। तो प्रजापिता हुआ या नहीं हुआ? उसको शंकर कहेंगे? शंकर नहीं कहेंगे। शंकर तो उसको कहा जाता है जिसमें तीन आत्माओं का संकरण हो, शिव वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा और राम वाली आत्मा। जब सिर्फ एक ही आत्मा है, चंद्रमा वाली आत्मा भी प्रवेश नहीं, गुलजार दादी में काम कर रही होगी, और शिव की आत्मा भी नहीं, क्योंकि शिव बाबा कहते हैं सदैव बैल पर सवारी होती है क्या? नहीं होती। दूसरे बच्चों का भी तो कल्याण करना होता है, कभी किसी बच्चे में प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता है, कभी किसी बच्चे में प्रवेश करके ज्ञान का फोर्स देता है, कभी किसी बच्चे में प्रवेश करके वाइब्रेशन का फोर्स देता है। ऐसे शिव बाबा सर्विस करते हैं कि नहीं?
सेवा करते हैं। और राम वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा तमो प्रधान ही है, सतो प्रधान, वो सेवा करती है, वो तो सेवा नहीं करती, वो तो मन बुद्धि से कहाँ पड़ी रहती है, है गड्ढे में पड़ी रहे। तुम सच्ची बात बताते हो, कुमार हो क्या है? कुमारों को बहुत अनुभव होता है, तो प्रजापिता वाली आत्मा अलग और शंकर वाली आत्मा अलग, जैसा काम वैसा नाम। कई आत्माओं का संकरण हुआ, मिश्रण हुआ तो शंकर, और सिर्फ एक ही पतित आत्मा है तो क्या कहेंगे? प्रजापिता। हाँ, हमारे कान वहां तक नहीं पहुंच रहे। हाँ, क्या बोला? हाँ, खूब श्लोक याद किए, एक एक श्लोक रटते जाओ और क्लास में पूछते जाओ। क्या शास्त्रों में हजारों लाखों श्लोक, और एक श्लोक की एक लाइन रट लो और क्लास में पूछो, लोग समझेंगे अरे बड़ा ज्ञानी, बड़े शास्त्र पढ़े हुए हैं। नहीं, अगर शास्त्र पढ़े हुए नहीं है तो ये कैसे पूछता है? इसको तो सारे शास्त्र याद है, बहुत ज्ञानी तू आत्मा बन जाएगी। अच्छा, निर्माण मोह माना मान मर्तवे से रहित है और मोह से रहित है। कोई का मोह ममता नहीं है, कोई में लगाव नहीं है। जित संग दोषा, संग दोष लगता है या नहीं लगता है? है तो संग दोष को जीत लिया है। जित संग जो दोषा निर्माण मोहा, जित संग दोषा। आगे बताओ भाई, हम तो जानते नहीं इतना। हाँ, अध्यात्म नित्या, क्या अध्यात्म नित्या विनिवृत्त? अध्यात्म नित्या, हाँ, नित्य ही अधि आत्म, अधि माने अंदर और आत्मा माने आत्मा, माने नित्य ही सदैव ही आत्मा के अंदर क्या है उसमें लगा रहता है। अध्यात्म नित्या कि शरीर के चिंतन में लगा रहता है, है अध्यात्म नित्या माने आत्मा के अंदर 84 जन्मों का क्या क्या पार्ट भरा हुआ है उसमें बुद्धि लगी रहती है। अध्यात्म नित्या और विनिवृत्त काम, वि माने विशेष रूप से, निवृत्त माने निवृत्त हो गया, सन्यासी बन गया, कामा माने कामनाओं। बाबा हमको क्या शिक्षा देते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा करना कामना करना ये तो अविद्या हो गई, कोई कामना नहीं करना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक शिव बाबा के अलावा कोई भी कामना की रसगुल्ले की इच्छा है? है? बर्फी बनाओ, बर्फी लड्डू बनाओ, ये कपड़ा पहनू, वो कपड़ा पहनू, अरे ये मकान टपक टपक करता है, ये टपकना बंद हो जाए, ये मकान चेंज करो, नहीं तो इसकी रिपेयरिंग करो, ये सब इच्छाएं हैं कि नहीं है? तो ये इच्छाओं से परे है विनिवृत्ति कामा, विशेष रूप से कामनाओं से निवृत्त हो गया, कोई कामना नहीं। हाँ, और आगे आगे बोलते जाओ, बस एक ही लाइन रटी, बोलो 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 बोलो। हाँ, मधुबन की बहन ने गीता को सीखने के लिए कहा है, मधुबन की बहनों ने गीता सीखने के लिए कहा,
तो खराब कह दिया क्या? हाँ है? जैसे मुरली, मुरली सतो प्रधान है, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से बोला वेदवाणी, वो सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? सतो प्रधान है। ऐसे ही मुरली भी सतो प्रधान है ना। ऐसे ही द्वापर के आदि में सबसे पहले कौन सा शास्त्र लिखा गया? गीता। तो द्वापर के आदि में सतो प्रधानता थी या तमो प्रधानता थी? तो गीता के जो श्लोक हैं वो भी सात्विक हैं। गीता के श्लोक सात्विक हैं या उनका अर्थ सात्विक है, जो अलग अलग अर्थ मनुष्यों ने किया है, है? अलग अलग टीकाएं अलग अलग व्याख्याएं की है, वो सात्विक हैं या गीता के श्लोक सात्विक हैं? श्लोक तो सात्विक हैं लेकिन टीकाएं सारी तमो प्रधान विकारी मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई है। तो भगवान आकर के जैसे मुरली का अर्थ टीचर बन कर समझाता है, समझाता है कि नहीं? मुरली के महावाक्यों की व्याख्या करता है कि नहीं? ऐसे ही जो सतो प्रधान गीता के श्लोक हैं, द्वापर के आदि के लिखे हुए, उनका अर्थ नहीं बताता होगा, है? वो भी बताता है। तो मनुष्यों की टीकाएं वो झूठी है और भगवान की टीका सच्ची है। यज्ञ के आदि में भी संस्कृत की गीता के ही व्याख्या करके सुनाते थे, पीहू की वाणी, जो बाद में कराची में जमीन खोद करके और लोहे के बक्से में दबा दी गई। मुसलमान क्या करते हैं, है? भारत के शास्त्रों को फाड़ फाड़ के फेंक दिया, फाड़ फाड़ के जमीन में गाड़ दिया, भाड़ों में भून दिया, फाड़ के नदियों में बहा दिया। तो यज्ञ में ही इसकी शूटिंग होने लगी। ओम शांति।